पंजाब के गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित ने दो बार की तकरार के बाद आखिरकार पंजाब सरकार के विधानसभा सेशन को मंजूरी दे दी है। गवर्नर हाउस की तरफ से इसके ऑर्डर भी जारी कर दिए गए हैं। ऑर्डर में गवर्नर ने भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 की धारा 174 का जिक्र करते हुए मंजूरी दी है। आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने 22 सितम्बर को स्पेशल सेशन बुलाया था, जिसे गवर्नर ने रद्द कर दिया था, जिसके बाद राज्यपाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच तकरार बढ़ गई थी। हालांकि दोबारा सेशन बुलाने की राज्यपाल ने अनुमति दे दी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित कुमार जुड़े चंडीगढ़ से। अमित, जिस प्रकार से देखा जाए कि भगवंत मान और राज्यपाल के बीच तकरार हो रही थी सेशन को लेकर, तो वह मंजूरी मिल गई है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, देखिए मंजूरी दे दी गई है, पर हम कह सकते हैं मंजूरी के लिए भी हमें काफी जद्दोजहद देखने को मिली। हम सीधे तौर पे कह सकते हैं कि जब से पहला सेशन है, उनके 22 तारीख का स्पेशल सेशन बुलाया गया था, उसके लिए परमिशन मांगी गई थी, तो पहले सबसे पहले परमिशन दे दी गई थी, क्योंकि हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पर उसके बाद चाहे विरोधी दल हो चाहे कांग्रेस की तरफ से सवाल खड़े किए, और खुद बीजेपी पंजाब बीजेपी के सीनियर नेता अश्विनी शर्मा की तरफ से राज्यपाल से मुलाकात की गई, उनको चिट्ठियां लिखी गई, और उसमें बताया गया कि जो अगर हम कहें कि जो कॉन्फिडेंस मोशन की बात की जा रही है, जिसके लिए सेशन बुलाया जा रहा है, वो किसी तरीके से लीगल नहीं है, उसका कोई प्रावधान नहीं है, जिसके बाद हम कह सकते हैं कि राज्यपाल ने पहली परमिशन वापस ले ली थी। उसके बाद हम कह रहे हैं कि कैबिनेट मीटिंग करके 27 तारीख को पंजाब विधानसभा का सिंपल सेशन, एक नॉर्मल सेशन बुलाया गया, जिसके बाद हम कह सकते हैं कि परमिशन फिर राज्यपाल से मांगी, क्योंकि बिना राज्यपाल की परमिशन के विधानसभा के सेशन को नहीं बुलाया जा सकता। पर इस बार जब परमिशन मांगी गई, तो बकायदा राज्यपाल ने पंजाब सरकार से ये पूछा कि आप इस सेशन में किन मुद्दों के ऊपर चर्चा करने वाले, किन मुद्दों को लेकर बिल लाने वाले, इसके लिए बकायदा डिटेल उन्होंने मांगी, जिसका अगर हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी या फिर पंजाब सरकार को काफी ज्यादा इसके ऊपर सवाल खड़ा हुआ, क्योंकि इससे पहले आज तक किसी भी सरकार से राज्यपाल ने जवाब नहीं मांगा था, ना ही डिटेल मांगी थी कि आखिर सेशन में क्या होने वाला है। तो इसको लेके खुद हम कह सकते हैं मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 75 इयर्स में पहली बार हो रहा है कि राज्यपाल ये पूछ रहे हैं कि आखिर सेशन में किन मुद्दों को लेकर चर्चा होनी है। पर अगर हम कहें कि उसके बावजूद भी, इन टिप्पणियों के बावजूद भी, हम कह सकते हैं कि पंजाब सरकार की तरफ से बाकायदा जानकारी भेजी गई कि इस बार के सेशन में किन किन मुद्दों के ऊपर चर्चा होनी है। जब वो प्लान मिल गया पंजाब के राज्यपाल को, तो उन्होंने बकायदा परमिशन दे दी है कल के 27 तारीख के सेशन के लिए। अब ये देखना होगा कि जो रिप्लाई दिया गया है कि उन्हीं मुद्दों के ऊपर चर्चा होगी या फिर कोई और तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑपरेशन लोटस के देखे, जो अगर हम कहें कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस मोशन लाता है, वो कहीं ना कहीं लाने की बात की जाएगी। अमित, एक जानकारी और सामने आ रही है कि जो विधानसभा सेशन बुलाने की जो बात हुई थी, उससे पहले एक मीटिंग भी रखी गई, बैठक बुलाई गई है, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिये 22 तारीख को हम कह सकते हैं कि जो इस बार की 22 तारीख को ही एक कैबिनेट मीटिंग हुई, और ये विधानसभा के अंदर हुई, ये कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं उस लिहाज से की गई कि वो पंजाब सरकार अपना स्टैंड दिखाना चाहती थी, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपना विरोध, जो कि विधानसभा के जो खास सत्र कैंसिल करके दिखाया गया, तो उसको दिखाने के लिए वो मूव किया गया था, जिसके बाद वहां से ही आगे की अगर हम कहें कि जो अगला सेशन बुलाना था, उसके लिए परमिशन वहीं पर ही डिसाइड हुई थी, वहीं पर डिस्कशन हुआ था। तो कहीं ना कहीं उस एक मूव के साथ हम समझ सकते हैं कि पंजाब सरकार अपने स्टैंड पे पूरी तरह से खड़ी हुई, और कहीं ना कहीं जो ऑपरेशन लोटस है, वो इस बार भी शायद हम कह सकते हैं कि जो 27 तारीख को विधानसभा का सेशन है, उसमें ऑपरेशन लोटस की आवाज गूंज सकती है।